राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आतंकी हरकत करने पर उनकी सीमा में घुसकर फिर से ऑपरेशन को अंजाम देने की धमकी दी। इस धमकी के बाद से पाकिस्तान बौखलाया नजर आ रहा है। दरअसल राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा था कि सारी दुनिया को पता है कि हम केवल इस पार ही नहीं, जरूरत पड़ी तो उस पार जाकर भी मार सकते हैं। इसके बाद रविवार शाम से ही पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के नौशहरा, राजौरी और अखनूर सेक्टरों में एलओसी पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने लगातार चौथे दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसका भारतीय सेना और बीएसएफ ने करारा जवाब दिया है। वहीं सीमावर्ती इलाके पर रहने वाले लोग पाक की नापाक हरकत के कारण पलायन करने को मजबूर हैं। देखें ग्राउंड जीरो से राही कपूर की रिपोर्ट। दैनिक सवेरा की टीम इस समय पहुंच चुकी है दबराज गांव में, जो कि बिल्कुल एलओसी के साथ सटा हुआ है। ये कृष्णा घाटी सेक्टर का आखिरी गांव है, जहां पे ये लोग जो हैं यहां पर पलायन करने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि लगातार दो दिन से पाकिस्तान जो है यहां पे अंधाधुंध गोलाबारी कर रहा है, जहां पर जो यहां के ग्रामीण हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो आपको दिखाएंगे कि ये देखिए कि ये सामान बिल्कुल पैक करके ये लोग यहाँ से निकलने की तैयारी में हैं, और यहाँ पर जो है काफ़ी जो है गोलाबारी की चपेट में ये इलाका आ रहा है। इसके साथ अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे बाएं तरफ ये जो है महिलाएं बैठी हुई हैं, इनको आप देखिए, और इन ये जो बच्चे हैं, बच्चों के हाथ में खिलौने हैं, और इन बच्चों को, ये मासूम बच्चों को ये पता नहीं है कि हमें इस समय कहां लेके जा रहा है। पाकिस्तान अपनी लगातार जो है नापाक हरकतें दिखा रहा है, यहाँ पर जो है रिहायशी इलाकों को निशाना बना के गोले दग रहे हैं। अब मेरे साथ कुछ यहाँ पे खड़े हुए हैं नागरिक, आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या कारण है जो यहाँ से उनको पला पड़ा। जी सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद शिबी है। आप बताएं सर कि क्यों यहाँ पे छोड़ रहे हैं? क्या सर, आपने देखा है कि यहाँ शिल गिरे हुए हैं, पाकिस्तान की तरफ से बहुत भारी शेलिंग हो रही है चार दिन से। तो हम चार दिन से, आज हमारे बच्चों ने खाना भी नहीं खाया, हम एक कमरे में देखो यहाँ शिफ्ट होके दूसरे घर में रह रहे हैं। तो अब क्या करें, हम ऊपर गवर्नमेंट जो बैठी है वो हमारी कुछ सुनवाई नहीं कर रही है। ये पीडीपी गवर्नमेंट है, जो हमें तो कह रहे हैं इसको इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो इतनी हालत हमारी ख़राब है, तो हम कहाँ जाएंगे? अगर पाकिस्तान ऐसे ही करता रहेगा तो हम तो मर जाएंगे। तो गोलाबारी हो रही है, और क्या जब गोलाबारी होती है तो तब क्या करते हैं सर? क्या करते हैं हम, पशु जो पशु जहाँ हम पशु मतलब रखते हैं, उस पशु वाले मतलब हाउस में हम बच्चों को लेके रहते हैं। अब यहाँ एक मकान है, ये आर्मी वाले का मकान है, फौजी का मकान है, ये मकान थोड़ा सेफ है। इस मकान में हम ये इतने लोग चले आए हैं। हमारे अगर बर्तन देखे जाएँ, हमारे बच्चों के ये देखो बैग अगर देखे जाएँ, तो मतलब आप देख सकते हैं कि कितनी परेशानी है। ये बच्चे आप सामने देख सकते हो, यहाँ बहुत शेलिंग हो रही है। आपने साफ सुना कि यहाँ पर लोगों का कहना है कि पाकिस्तान एकदम से रिहायशी इलाकों को निशाना बना के गोले दाग रहा है, और ये लोग मजबूर हैं यहाँ से पलायन करने को। और इनका ये भी कहना है कि हमारे पास अभी तक जो है कोई भी प्रशासनिक अधिकारी और कोई भी जो है यहाँ नहीं पहुँचा है, और हमारे बच्चे जो हैं भूखे प्यासे हैं और यहाँ पे ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ मजबूर हैं अपनी जान बचाने के लिए हम लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राहिक, दैनिक सवेरा टीवी, दबराज, एलओसी।